नहीं, मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गुजरात, गुजरात से यहाँ हिमाचल, और हिमाचल से यहाँ कश्मीर नहीं जा सकते थे। ये सबसे सीधा रास्ता है ज्योग्राफिकली और सिक्योरिटी के नज़रिए से, ये सबसे सीधा रास्ता था 2750 किलोमीटर का। अगर हम गुजरात जाते, अगर मान लीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, आज 7 सितंबर को आप शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, आपकी 56 दिन की छाती भी हो सकती है, पर 100 दिन के अंदर आप गुजरात पहुंच नहीं पाओगे। 100 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव हो गए हैं। एक नंबर दो, हमने देखा है महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य से निकलता है, सारा संगठन उसी में जुड़ जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी में जुड़ जाते हैं। अगर हम गुजरात में जाते या हिमाचल में जाते, चुनाव प्रचार हम करते नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ता जुड़ जाते। तो यही कारण था, कई राज्य हैं, हम 12 राज्यों से गुजर रहे हैं पश्चिम भारत में, और खास तौर से पूर्वी भारत में कई राज्यों से हम गुजर नहीं रहे हैं। उसके लिए अलग से हम विचार कर रहे हैं, अगले साल पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी यात्रा निकाला जा सकता है। पर जो मैंने कहा, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, उसका मकसद यह है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखते तो हम ये यात्रा पहले 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते। ये यात्रा, मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ। 15 तारीख 2022 को जब सोनिया जी अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इसका ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, 2 दिन पहले उससे उस पर बातचीत हुई थी उदयपुर में। तो एक तौर से आप मानकर चल सकते हैं कि उदयपुर से ही ये विचार निकला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा, इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किए। तो मैं नहीं मानकर चल रहा हूं कि 2023 में या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। असर होगा अगर हम इसको सीरियसली फॉलो अप एक्शन लेंगे। चुनाव से भी ऊपर अटकल राजनीति में और कुछ भी होता है। राजनीति में विचारधारा भी एक चीज होती है, और सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए हम मशीन बन जाएं, ये गलत नजरिया है राजनीतिक पार्टी के लिए। हम, ये विचारधारा की जंग है। हमारे देश के सामने अभी 2 विचारधाराएं हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। और राहुल गांधी जी ने तय किया उदयपुर में, जब बहस हुई, बात हुई, कि चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे कुछ चुनाव जीतेंगे, वो चलता रहेगा, पर ये विचारधारा का जंग कब शुरू करेंगे हम? कभी तो कभी हमें लेना होगा इसको। तो सिर्फ चुनाव के संदर्भ में हम विचारधारा को याद करें, वो गलत है। तो प्रत्यक्ष रूप से विचारधाराओं से टक्कर करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। इसके साथ साथ हमें चुनाव भी लड़ने हैं, और चुनाव हम लड़ते हैं, आपने सही कहा, हम जीतने के लिए। कुछ बार हम जीतते हैं, कुछ हम हारते हैं, वो स्वाभाविक है, होता रहता है। पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, मैं समझता हूं भारत ऐसे मोड़ पर है, अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालती, जो आर्थिक विषमताएं जिसका जिक्र मैंने किया, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसका मैंने जिक्र किया, और राजनीतिक तानाशाही जिसका मैंने जिक्र किया, वो इतना भयंकर तरीके से फैल जाता और हमारे लिए इतना खतरनाक होता कि हमारे संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो भी खतरे में होता। ये आलोचना होती है। देखिए हमारे देश में अगर आप एक चीज करें ना, पांच लोग पूछेंगे ये नहीं क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, सवाल उठते रहेंगे, ये वास्तविक है और सवाल उठाने जाने चाहिए। पर मैं पहले ही बता दूं कि हमें पूरी जानकारी थी कि चुनाव होने वाले हैं, न केवल गुजरात या हिमाचल में पर और अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं। अभी फरवरी मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले चुनाव होंगे, बाद में कर्नाटक में चुनाव होंगे, तो ये चुनाव होता रहेगा। पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल कौन लड़ेगा? कांग्रेस की एक कमी रही है, पिछले 30-35-40 सालों में हमने चुनाव को प्राथमिकता दी है, आइडियोलॉजिकल बैटल पर हमने उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना देना चाहिए था। और आज वो दे रहे हैं राहुल गांधी जी और भारत यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। I'll come back to you। कुछ मुख्यमंत्री से भी पूछे ना यार।